Hello everyone, I welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, आज हम बात करने वाले हैं Research Aptitude Questions के बारे में. So, Research Aptitude जो कि Paper 1 का बहुत ही important topic है, इससे काफी अच्छे questions आते हैं, but अगर आपके concepts clear हैं, तो आप बहुत आसानी से इन questions को कर लेंगे. इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेट इज अनुज जिंदल यूजीसी नेट, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे. अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं ताकि हम इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाए. लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. The act of devising a structure that outlines how the research shall be conducted is known as which of the following? मतलब एक structure devise करना कि research किस तरह conduct की जाएगी, इसे क्या कहते हैं? तो एक बार चारों options को देखते हैं. Is it A, research philosophy? Is it B, research policy? Is it C, research methodology? और is it D, research design? So इन चारों terms को समझना बहुत जरूरी है, because अगर इससे related कोई past ईयर क्वेश्चन आता है या फिर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे. तो एक बार चारों टर्म्स को समझ लेते हैं. रिसर्च फिलॉसफीज़ के बारे में अगर आपको याद हो, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ा था कि कुछ अलग अलग रिसर्च फिलॉसफीज़ अलग अलग रिसर्चर्स ने दी है. जैसे कि हमने आइडियलिज्म फिलॉसफी के बारे में बात करी थी, हमने पॉजिटिविज्म फिलॉसफी के बारे में बात करी थी. सो इन सब थ्योरीज के बारे में बात करी थी जो अलग अलग रिसर्च के बारे में थ्योरीज हैं, जो बताती हैं कि किस तरीके से रिसर्च वर्क करती है या किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ थ्योरीज का और वो किस तरीके से एप्लीकेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में. जब हम रिसर्च पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो रिसर्च पॉलिसी सिंपली अ गाइडलाइन जो ये बताती है कि क्या रिसर्च करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या क्या एलिमेंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है. जब हम रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा मेथड बताता है, या आप कह सकते हैं कि टेक्निक के बारे में बात करता है कि अगर आपने रिसर्च की है, आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया है, तो उसके एनालिसिस के लिए आपने क्या टेक्निक यूज़ करी है, क्या आपने काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया है, क्या आपने टी टेस्ट यूज़ किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये सारे चीज़ों के बारे में हम रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर बात करते हैं. जब हम रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन एक आउटलाइन है, या आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है, जो ये बताता है कि आपको किस तरीके से रिसर्च करनी है. सो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है जो ये बताएगा कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किस किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम आगे बढ़ेंगे रिसर्च करने के लिए, एंड ये सारी चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन के अंदर होती हैं. और मैं एक और चीज़ रिकॉल करा दूं यहाँ पे आपको कि रिसर्च डिज़ाइन अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में बात की थी, हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात की थी, एंड एक्सेट्रा. सो आप इन रिसर्च डिज़ाइन के बारे में भी हमारी पुरानी वीडियोज़ को देख कर पढ़ सकते हैं. सो यहाँ पर जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डेट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, बिकॉज इसी में हम एक स्ट्रक्चर और आउटलाइन क्रिएट करते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ सैम्पलिंग डिजाइन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सैम्पलिंग डिजाइन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि इसमें सारी आउटलाइन बनाई जाएगी सैंपल से रिलेटेड, कि किस टाइप का सैंपल हमें लेना है, कितनी क्वांटिटी का सैंपल लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर आती हैं. हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सैम्पलिंग डिजाइन हमें इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस चीज़ में हेल्प नहीं करेगा. डज नॉट लगा हुआ है. मैं बार बार एक चीज़ रिमाइंड कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं या आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठे हैं, उस 3 घंटे के पेपर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है और क्वेश्चन को ध्यान से रीड करने की जरूरत है. कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बट क्योंकि हम उसे ठीक से रीड नहीं करते हैं, इसलिए हम मिस्टेक्स कर देते हैं. सो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, रादर सजेशन है, कि आप एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार जरूर रीड करें. आइए ऑप्शन देखते हैं. ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड यूज. डेफिनेटली रिसर्च सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करना है. अगर आपको याद हो कि हमने प्रोबेबिलिटी डिजाइन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन के बारे में बात करी थी, एज वेल एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन के बारे में बात करी थी. तो ये सारी टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा था जो कि सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर मेंशन होता है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा. नंबर ऑफ सैम्पल यूनिट्स टू बी सिलेक्टेड. अब आपको याद हो कि जब हम एक सैम्पल सिलेक्ट करते हैं तो हमको एक
प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी लेनी पड़ती है या क्वांटिफाई करना पड़ता है कि हम कितनी यूनिट्स या कितने सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एम ये होता है सैम्पलिंग डिज़ाइन में कि हम एक सैम्पल के बेसिस पे, एक छोटा सा जो भी हमने सैम्पल लिया है रिसर्च के बारे में, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो हम बहुत ज़्यादा सैम्पल लेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होगी और बहुत कम सैम्पल लेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमें सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर ये क्वांटिफाई करना पड़ता है कि वॉट इज़ एन एडिक्युएट सैम्पल। सो ये भी उसमें मेंशन होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एक्यूरेसी ऑफ सैंपल सिलेक्टेड। अब जो एक्यूरेसी ऑफ सैंपल है ये सैंपलिंग डिज़ाइन नहीं बता सकता, वो आपको क्वांटिटी बता सकता है, आपको मेथड बता सकता है, बट सैंपल आपने कैसा सिलेक्ट किया है ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है, और साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो अच्छे मूड में हैं, क्या वो चीज़ों को ठीक से इंटरप्रेट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो एक्यूरेसी की है ये सैम्पलिंग डिज़ाइन पर नहीं डिपेंडेंट होती है बल्कि अलॉट ऑफ अदर फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन नहीं बता सकता है कि आपकी जो सैम्पल है वो एक्यूरेट है या नहीं, इसलिए हमारा जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इज कैरीड आउट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। तो काइंड ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया, इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां कवर हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च और उनकी मीनिंग, या कह सकते हैं कि उनका एम क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च का, इसके बारे में पता होने की जरूरत है। आइए एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और इज इट डी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सो एक बार इन चारों टर्म्स को बेसिक ब्रीफ टर्म्स में समझ लेते हैं ताकि अगर आपको फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हों सो आप बहुत आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाएं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये होती है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को, लेट अस से हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें, अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो हम उसको इम्पेरिकली टेस्ट करना चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या रियल में एग्जिस्ट करती है, उसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। और इसी केस में हम ये देखते हैं, अगर हम किसी और चीज़ का एग्जांपल लें, लेट अस से कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहते हैं कि अगर हम बॉल थ्रो करते हैं वॉल पे तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है या उसका रिएक्शन क्या आता है। सो ये सारी चीज़ें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के टर्म्स में देख सकते हैं। सिमिलरली अगर एक्सपेरिमेंट करके हम कुछ वेरिएबल्स का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि अगर हमने किसी दो वेरिएबल्स को, लेट अस से अगर हमने पॉवर्टी का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि पॉवर्टी एंड एजुकेशन देखें कि एजुकेशन प्रोवाइड करने से क्या पॉवर्टी रिड्यूस होती है या नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करके, कुछ वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करके इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट देख सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, बट फिर भी हम बाकी तीनों टर्म्स को समझेंगे। कंसेप्चुअल रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं कि जब हम किसी कंसेप्ट या किसी थ्योरी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो कंसेप्चुअल रिसर्च कहलाती है। आपने काफ़ी सारा रिसर्च किया और आपने कोई भी कंसेप्ट बिल्ड करके लेके आए, कोई थ्योरी बिल्ड करके लेके आए, तो वो सारा कंसेप्चुअल रिसर्च का पार्ट बन जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करूं तो वो एक प्योर रिसर्च भी कहलाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी पीछे हुआ है, या आपने कुछ, लेट अस से आपने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन, और अब आप उसको रिसर्च के जरिए डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में या अपने रिसर्च पेपर में, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट बन जाएगा क्योंकि आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। जब हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन, जैसे कि वर्ड कह रहा है कि किसी एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी चीज़ों का क्रॉस सेक्शन। सो एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मुझे ये देखना है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम से इन द ईयर 2019 आउट ऑफ ऑल द 20 फर्म्स विच वर प्रोड्यूसिंग एक्स लिमिटेड, एक्स प्रोडक्ट से कोई एक्स नाम का प्रोडक्ट बना रहे थे, तो क्या उन 20 फर्म्स की सेल्स सेम रही है, क्या उनके सबके सेल्स रेवेन्यू सेम जनरेट हुए हैं, क्या उन सबकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स या बहुत सारे नंबर ऑफ फर्म्स को मेजर करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहलाती है। ये टाइम रिलेटेड रिसर्च है। और इसी से रिलेटेड जो दूसरी रिसर्च होती है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी एक ही चीज़ को, लेट अस से एक्स लिमिटेड की परफॉर्मेंस में मेजर करना चाहता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप 10 साल के पीरियड में सिर्फ एक ही एक फर्म को की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। सो ये चारों टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने पढ़ ली, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करके ये देख सकते हैं कि क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है उन वेरिएबल्स के अंडर। सो क्लियर कट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रजत लिमिटेड कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम स्मॉल सैंपल. स्मॉल सैंपल का मतलब क्या है, हमने पहले अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा था कि जब भी आपका सैंपल जो है अगर वो लेस देन 30 है, सैंपल जो है आपका, तो आप उसे स्मॉल सैंपल कहेंगे, और अगर वो सैंपल मोर देन 30 है तो हम उसे लार्ज सैंपल कहेंगे. ठीक है, सो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर स्मॉल सैंपल यूज कर रहे हैं आप और कलेक्ट करके आपने एक छोटे से सैंपल पे टेस्ट किया है डेटा को, तो वो किस क्या कहलाता है. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. सो इज इट ए कोडिंग, इज इट बी डिजाइन फॉर्मुलेशन, इज इट सी पायलट टेस्टिंग, और इज इट स्मॉल सेगमेंटेशन. सो इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियो में कि पायलट टेस्टिंग क्या होता है, कि किसी भी प्रोडक्ट को बड़े स्केल पे लॉन्च करने की जगह या फिर किसी भी रिसर्च को मास स्केल पे रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करने की जगह आप पहले कुछ स्मॉल सैंपल्स यूज करते हैं. मतलब आप कुछ छोटे लेवल पे उसे पायलट टेस्टिंग कर लेते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, उसमें कुछ चैलेंजेस तो नहीं आ रहे हैं. क्यों और ये जरूरी क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप बिना पायलट टेस्टिंग किए, बिना छोटे लेवल पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन आयर को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टेस्ट किए बिना मार्केट में निकाल देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. इसलिए रिसर्च में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च भी करना चाहते हैं और आप अपने क्वेश्चन आयर को टेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक पायलट टेस्टिंग या पायलट स्टडी कर लेनी चाहिए. सो यहां जो हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज पायलट टेस्टिंग. आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. Each basketball player in a team for the tournament is given a separate chess number. What kind of scaling method has been used in this regard? अब आपको different types of scales के बारे में पता होना जरूरी है अगर आपको इस question को answer करना है. और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि किस type की scaling method का use किया जाएगा अगर हम basketball tournament के अंदर अलग अलग chess number देते हैं different players को, तो उसका purpose क्या है या कौन सा scale उस particular objective को achieve करता है. So एक बार चारों scale देखते हैं क्या option में हमें. Is it A interval scale? Is it B nominal scale? Is it C ordinal scale? Or is it D ratio scale? हमने पुरानी वीडियो में जो अपना स्केलिंग की वीडियो थी उसमें ऑलरेडी इन टॉपिक के बारे में बात कर लिया है, फिर भी ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं. इंटरवल स्केल होता है दोस्तों जब हम दो चीज़ के बीच में एक क्वांटिटी में मेजर करना चाहते हैं कि डिफरेंस कितना है. फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट जो यूनिक एग्जांपल है वो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किसी भी डिग्री पे मेजर करें तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम 100 डिग्रीज पे मेजर कर लें या किसी और डिग्री पे, क्योंकि जो इसके बीच का डिफरेंस है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वो एक फिक्स डिफरेंस है. तो जब भी हम इस डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं, दो लोगों की परफॉर्मेंस कह लीजिए, दो फर्म्स की सेल्स कह लीजिए, या ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम बीच की क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, तो हम इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं. सो ये तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए हमारा आंसर, बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हो रही है. नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल ये होती है कि जब आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किस चीज़ की किस टाइप का प्रोडक्ट है, या आप चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ, सेपरेट करना चाहता हूँ आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, तो हम नॉमिनल स्केल का यूज़ करते हैं. इसके एग्जांपल हो सकते हैं एज, आप एज से लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप लोगों को हाइट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप लोगों को उनके चेस्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल में चेस्ट नंबर इसलिए दिए होते हैं ताकि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर ने फाउल किया है तो आप उसको उसके चेस्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर पाएं और उस चीज़ों को नोट कर पाएं. सो ये हमारा क्लियर कट आंसर हो जाना चाहिए. फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं. ऑर्डिनल स्केलिंग होती है कि जब आप चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर सकते बट आप उसको रैंक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं मेरे सामने चार प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, डेट इज़ ए बी सी डी, मैं उनको ये तो नहीं बता सकता कि इसमें से कौन कितना अच्छा है क्वांटिटी के टर्म्स में, बट मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस बी है, देन मेरी प्रेफरेंस डी है, देन थर्ड है सी एंड फोर्थ है ए. सो इस तरीके से अगर मैं ऑर्डिनली रैंक कर सकता हूँ चीज़ों को तो वो हम ऑर्डिनल स्केल के जरिए कर सकते हैं. तो ये ऑर्डिनल स्केल का पर्पस हो गया. रेशियो स्केल, जैसे कि नाम खुद ही कह रहा है कि मैं किसी भी टर्म्स में रेशियोज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मेरी सैलरी टोटल मंथ की 50,000 रुपीज़ है और उसमें से 10,000 रुपीज़ मैं फूड पे खर्च करता हूँ, सो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ माई इनकम आई एम स्पेंडिंग ऑन फूड. सो इस चीज़ को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए जब भी हमें ऐसी इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है, रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं, तो हम रेशियो स्केल का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो है नॉमिनल स्केल, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है स्केलिंग का वो है चीज़ों को डिस्टिंग्विश या फिर आइडेंटिफाई करना एज अ बास्केटबॉल प्लेयर. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप जो आज हमने पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली सारे ऑप्शंस को डिस्कस करके 20 कंसेप्ट सीखे हैं. ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में. और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लेते रहिए ताकि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में और आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. इफ यू
think that you have learned something new, do subscribe to our channel Anuj Jindal by clicking on the bell icon. Do comment if you have any queries. Thank you and have a nice day.